बड़ी खबर, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसानों से अपील। आपको बता दें, माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की गई है। कई लोग माहौल खराब करने की कोशिश में हैं, यह कहना सरकार का, मंत्री का, कई लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार किसानों के हित को लेकर गंभीर है। अर्जुन मुंडा ने किसानों से अपील की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मंदिर जी ने, सुनिए। समाधान तो बातचीत के जरिए हो सकता है। मैं पूरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के, हमारे मंत्री भी साथ में थे, और चंडीगढ़ में दो राउंड की बातचीत हुई। कई ऐसे जो विषय लाए गए थे उस पर मैंने स्पष्टीकरण के साथ साथ उसका समाधान किया और सहमति बनी, और वो भी मानते हैं कि उन सारे विषयों पर सहमति बन गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ विषय इस तरह के हैं, जो विधायी कार्य से संबंधित है, जो किसानों के तरफ से तुरंत की बात कही गई, मैंने उनको कहा कि देखिए, जो भी विधायी कार्य होता है उसके लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनती है जी। एक उसके सभी पक्षों पर सबके साथ बैठ करके ध्यान में रखा जाता है कि उसमें क्या क्या एंगल्स है, क्या क्या विषय है। अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की, और अंकित गुप्ता खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, गतिरोध की स्थिति क्यों बनी हुई है? आपकी बात भी हुई अर्जुन मुंडा से, क्या बातें सामने निकलकर आ रही हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ कर दिया है कि 90% मांगों पर सहमति बन गई है, 10% पर किसान अड़े हुए, जबकि उनको भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज जो बात की और कल फैसला हो जाएगा या कुछ मिनटों में फैसला हो जाएगा, और इसी वजह से ये गतिरोध बना हुआ है। और केंद्रीय मंत्री ने एक बात साफ तौर पर कही कि ऐसा नहीं है कि किसानों के साथ कोई मतभेद है, बल्कि कुछ किसान संगठन है, कुछ किसान नेता है, वो जो अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं जबरन, जबकि ऐसा नहीं है। एक आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए अखिलेश, हमारे जो तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आईटीओ पर क्यों मौजूद हूं? आईटीओ पर इस वजह से मौजूद हूं क्योंकि यहां पर 26 जनवरी 2021 को जैसे हालात बने थे वैसे एक बार फिर से ना बने, उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर डंपर्स खड़े कर दिए गए, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, और बाकायदा बड़ी बड़ी क्रेन्स को खड़ा कर दिया गया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि किसी भी सूरत में यहां पर हालात खराब ना हो। तो एक तरफ सरकार की कोशिश यह है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे, बातचीत हो, और इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ना आए, तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन है, उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर एरिया हो या फिर दिल्ली का जो सेंट्रल एरिया, जो आईटीओ हो या लुटियन दिल्ली का एरिया हो, वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं जी। अंकित, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, अपने बाकी सहयोगियों का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा देते हैं। ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे वजह क्या है? किसानों की जो मांग है उसे आप जरा समझिए। C2+50% का फॉर्मूला आखिर क्या है वो आप समझिए। स्वामीनाथन कमेटी की 2006 की जो रिपोर्ट है, फसल की कुल लागत और उस पर 50% का लाभ मिले, मुनाफा मिले, ये कहा गया है इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर C2+50% 50% फॉर्मूला जो लिखा गया है, और C2 क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जो C आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ, इसमें क्या चीज है? इसके ऊपर जो चीजें ऐड होनी है, जुड़नी है, फैमिली लेबर प्लस जमीन का किराया, खेती में लगाई पूंजी प्लस पूंजी पर ब्याज, यानी उस पर जो इंटरेस्ट है उसे भी देने की बात इसमें कही गई है। यह कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट की बात हो रही है, और इसी फॉर्मूले के आधार पर MSP की गारंटी के कानून की मांग की जा रही है, यानी इसे जोड़ कर दिया जाए किसानों को। और इसके जोड़ने से क्या होता है उसे भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है, आप समझिए। अभी की क्या व्यवस्था है पहले आप वो देख लीजिए। मौजूदा व्यवस्था में एमएसपी का जो आधार है, यानी जो कैलकुलेशन का तरीका है, A2+ फैमिली लेबर, FL जो लिखा हुआ है, फैमिली लेबर, फसल की लागत प्लस किसान का मेहनत आना, A2, ये क्या है इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। A2 में क्या होता है? किसान का पूरा खर्च, यानी बीज, खाद, मजदूर, मशीनरी, लीज पर ली गई जमीन का खर्च, ये हुआ पूरा A2। और यहां समझिए, A2 प्लस फैमिली लेबर की बात कही जा रही है, यानी फसल की लागत प्लस किसान का मेहनताना,
ये मौजूदा व्यवस्था है एमएसपी जिस आधार पर कैलकुलेट करने की व्यवस्था है। अब एमएसपी क्या है इसे आप समझिए, गेहूं की एमएसपी से आप अंतर समझिएगा। आपके लिए हम एक उदाहरण सामने रख रहे हैं ताकि आप इस कैलकुलेशन को समझ सकें। 200 यानी 2125 रुपए प्रति क्विंटल, ये अगर आप देखिए जो मौजूदा हालात हैं यानी ए टू प्लस एफ एल पर एमएसपी जो है तो मार्केट में तब कीमत होती है इसकी 3200 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 3200 रुपए में आप हम ये खरीद कर लाते हैं गेहूं। जबकि सी टू वाला फॉर्मूला अगर लागू हो गया तो किसानों को देखिए क्या मिलेगा, 3150 रुपए, यानी आप देख रहे हैं कहां तो ये 2125 रुपए प्रति क्विंटल और ये उसके बाद किसानों को मिलेगा 3150 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 1000 रुपए का सीधे मुनाफा। तो ये किसानों की मांग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।